आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुर द्वारा के गांव शेरपुर बहलील पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 55 किलोमीटर तो ब्लॉक से 16 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान शीशपाल हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। 4 वर्ष में क्या क्या विकास कराया है और क्या समस्याएं अभी बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक ठाकुर द्वारा के शेरपुर बहलील गाँव में। यहाँ प्रधान द्वारा आपका काफी विकास करवाया जा चुका है। आगे की पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में आप तक करवा दिए? विकास कार्य काफी हो चुका है, जिसमें के सीसी रोड हैं, टैल्स हैं और जी स्कूल की बाउंड्री है और कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। इस टाइम में जो है करीब जो है 1000 मीटर के आसपास रोड बनने की तैयार है। सीसी रोड बन गई है, ODF हो गई ग्राम पंचायत को। हाँ, ODF आवास मिलेगी हम लोगों को। आवास मात्र एक आया था हमारे यहाँ, वो बन गया। पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन मिलती है। यहाँ सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, केंद्र सरकार जो योजनाएं गरीबों के लिए चलाती है, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इन योजनाओं का लाभ आपके गांव में सभी लोग ले पाते हैं? हाँ, लगभग सभी को मिला है, जो पात्र हैं सभी को मिला है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड ये बने हैं लोगों को? हाँ, राशन कार्ड बने हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड में अभी कमी है हमारे यहाँ, चंद आदमी को मिले हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया है, सफाई करनी आते हैं प्रतिदिन आता है सफाई। स्कूल पर आपने क्या क्या कार्य करा? स्कूल पर है, टंकी फिटिंग हुई है, बाउंड्री वाल हुई है और जी आंगनवाड़ी में टैल्स लगी है, शौचालय बने हैं। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर ये हैं गांव में? ना, ये नहीं है हमारे। खेल का मैदान, कुछ आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी केंद्र पहले से ही तैयार। शमशान घाट, कब्रिस्तान? शमशान घाट मैंने बनवाया है जी, और एक की तैयारी है अपने ग्राम में भी। अपने जो आपके अपने स्तर पर जी, अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने गांव के लिए मैं ये चाहता हूं कि हमारे गांव में लगभग 30-32 जो है पात्र आदमी हैं, उनके लिए आवास की जरूरत। आवास जो कि इस टाइम बहुत जरूरी है, कच्चे मकान हैं और बरसात में जो है उन लोग को रहने की दिक्कत आती है। अब अपने कार्यकाल में आपने उनके लिए जो है कुछ प्रयास किए होंगे ताकि उनको मिल पाए आवास? हाँ, मैंने जो है उसमें फोटो खिंचवा कर वीडियो साहब को भिजवाए हैं, एप्लीकेशन भी लगवाई हैं और जी ऑनलाइन भी जो हुए हैं फोटो गए हैं आवास के लिए, वो भी गए हैं मुख्यमंत्री। मतलब आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो है कर दी है ताकि उन लोगों को आगे आने वाले समय में उनको आवास मिल जाए। हाँ, 25 नाम मैंने जो मुख्यमंत्री आवास योजना में और प्रधानमंत्री आवास योजना जी 12 घर पंचायत को लेकर भी आप यहाँ आवेदन देंगे? बिल्कुल, हमें तो जितना गाँव में होगा विकास उतना था जी। अस्पताल है? नहीं नहीं, अस्पताल कितना दूर यहाँ से अस्पताल के लिए जाना पड़ता है? अस्पताल के लिए शरीफ नगर में है, 8 किलोमीटर है, मतलब कुछ 6 किलोमीटर है और ठाकुर द्वारा 16 किलोमीटर। तो ये काफ़ी दूरी पर आपको पड़ते हैं, क्या आपने अस्पताल के लिए कभी यहाँ कोई मांग रखी करके कोशिश की कि सरकार की तरफ से इसको मदद मिले जिससे यहाँ अस्पताल का निर्माण हो सके? अस्पताल हमारे पुराना बहादुर नगर न्याय पंचायत में है हमारे, जो कि चल नहीं पा रहा है, इस वजह से कोई ऐसा वो नहीं कर सकता, वहाँ बंद हो गया ना चलने की वजह। बहुत पुराना था साहब वहाँ का, ना मालूम विवाद की वजह से जैसे भी किसी विवादित। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, शौचालय से गाँव ODF हो चुका है, स्कूल पर भी कार्यक्रम के अंतर्गत काफ़ी काम यहाँ सौंदर्यकरण करवाया गया है। इसके अलावा यदि हम समस्याओं की तरफ नजर करते हैं तो यहाँ सबसे प्रमुख समस्या और सबसे बड़ी मांग जो यहाँ प्रधान द्वारा रखी गई है वो लगभग 32 गरीब पात्र ऐसे हैं, प्रधान परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है, उन्हें लेकर प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। पंचायत घर, बारात घर को लेकर भी प्रधान ने यहाँ मांग रखी है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24।